जी से पूछ लेते हैं। अंकल जी, कितनी पुरानी मंदिर हो गई? बहुत पुरानी मंदिर, इसको कई बुजुर्ग मर गए। लेकिन भाई ये 150 रुपये केजी है, 150 रुपये है ना अंकल जी? कोई इसका रेट फाइनल नहीं है, फाइनल नहीं ही चलता है जी। दोस्तों आपको फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हुए हैं दरसावां। दरसावां भाई, हमारे पास कमेंट कर रही थी सुमन जी की, आप भाई दरसावां मंदिर के पास की वीडियो बनाओ, और आज हम मंदिर के पास आ चुके हैं भाई, आपको दिखा रहे हैं। पहले आपको तो हम दिखा देते हैं बाहर से। ये भाई शंकर जी की मूर्ति है, ये देखो भाई बहुत बड़ी है। आपको और दिखाते हैं चल के अंदर। अभी तो हम बाहर हैं और हमारे साथ भी कुछ लोग आए हुए हैं, उनको भी दिखाते हैं। ये देखो भाई हमारे साथ, भाई अब चलते हैं अंदर, आपको अंदर से दिखा देते हैं। सुमन जी आप भी देख लेना, ये है भाई शंकर जी की मूर्ति, और हमारे यहाँ जो लोग आए हैं वो फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। अब चलते हैं भाई अंदर, अंदर से आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे भाई पहले तो जूता उतार देते हैं, उसके बाद चलते हैं। गेट भी बंद है भाई, ये देखो अंदर से भी बंद है क्या यार? आओ चलने चलोगे ना? चलो आओ। ये भाई आ गए अंदर, कुछ अंदर के भाई इस प्रकार का व्यू है, देख लीजिए ऐसी मंदिर है। और ये भाई हवन कुंड, और इधर दिखा देते, ये है भाई मंदिर अंदर की, देख लीजिए अंदर। भाई दिखाई नहीं दे रहा, अंदर अंधेरा है इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है, और आपको हम बैक कैमरे से दिखा देंगे अभी। पहले तो और चलते हैं उस तरफ की मंदिर दिखा देते हैं। आप ही भाई बताए भाई कि मंदिर कैसे लग रही है, अच्छी लग रही है नहीं लग रही है? ये भाई चलते, ये देखो भाई मंदिर आ गई, ये मंदिर है। आप ही भाई सिद्धवर नंदी जी, ये देखो ऐसे भाई कुछ मंदिर है इधर, और वो देखो गणेश जी। ये है भाई यहाँ की मंदिर, अंदर से बैक कैमरे से आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखो माता जी की मंदिर, और इधर गणेश भगवान की मंदिर गणपति बप्पा, और इधर सबसे भाई मेन मंदिर तो ये वाली है, सबसे पहले नंदी बाबा, और उसके बाद ये शंकर जी, और ये घंटी वंटी ऊपर का भाई व्यू कुछ इस प्रकार का है, ये देखो। और आपको बाहर का व्यू दिखा देते हैं भाई। मंदिर बन भी रही है, ये देखो अभी बन भी रही है और बन भी गई है। इधर भाई कुछ फूल वाली पत्तियां हैं, और इधर ये देखो भाई कुछ इस प्रकार की मंदिर है यहाँ की, अच्छी है भाई मंदिर। और भाई यहाँ हवन कुंड है, यहाँ हवन होते हैं, देख लीजिए भाई ये ऐसी भाई मंदिर है, देखो दिखा देते हैं। गार्डन वार्डन बना हुआ है ऐसा, और ये सब भाई फूल का पेड़ है। ये देखो भाई अंकल जी कितनी पुरानी मंदिर हो गई? ये बहुत पुराना मंदिर, इसको कोई गांव वाला बता ही नहीं पाया। ये देखो भाई अंकल जी से पूछ लेते हैं, अंकल जी कितनी पुरानी मंदिर हो गई? बहुत पुरानी मंदिर, इसको कई बुजुर्ग मर गए लेकिन कोई आज तक बता नहीं पाया किसने मंदिर बनवाया, कैसे यहाँ देवी आई जी अंकल जी, कैसी मूर्ति किसने बैठवाया इसका कोई पता नहीं जी जी। कितना पुराना है मंदिर? ये बहुत पुरानी मंदिर है, बहुत पुरानी मंदिर है। ठीक है, हम भी यहाँ आए थे वीडियो बनाने यूट्यूब के डालने के लिए, और हमारे पास कमेंट आ रहा था कि भाई तुम दरसावां की मंदिर बनाओ, मंदिर की वीडियो बनाओ। हम यहाँ आए हैं वीडियो बनाए, कोई दिक्कत तो है नहीं ना? कोई दिक्कत। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू अंकल जी। और भाई ऐसे ही मंदिर है ये भाई, बहुत पुरानी मंदिर है, कोई बता नहीं सकता कितनी पुरानी मंदिर है, अंकल जी बता रहे हैं। और ये भाई गार्डन वार्डन तो अच्छा है, मंदिर में गार्डन होना और फूल मालिया पत्ती होना ये सब अच्छी बात है। Thank you.
और बता दे कि सुमन जी, सबसे पहले आपको आपने कमेंट किया था कि दरसावा की वीडियो बना, दरसावा की मंदिर ये है, आप तो देख लिया होंगी वीडियो। और इधर ये गांव है, गांव में जा नहीं सकते, गांव में बहुत लोग कहते हैं हमारी वीडियो बनवाओ, कुछ मत करो, ऐसे ही भाई रोकेंगे इसीलिए नहीं जाएंगे। आप देख लीजिए भाई, वही गांव आपको दिखाई दे रहा है और हमें भी दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं यहाँ से। तो अभी हम एक ऐसा व्यू के पास आ चुके हैं कि देखते ही इतना दिल खुश हो गया, पूछो मत। और सोचे कि आपके पास भी शेयर कर देते हैं। और इसमें लगा हुआ है भाई, गुलाब की खेती हो रही, ये देखो भाई, ये टेंट लगा हुआ है उसके अंदर है। और दिखा देते हैं कैसा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। और सोचे कि आज आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। ये देखो भाई, अंदर भाई पर्दा लगा हुआ है, अंदर तो जा नहीं सकते। और देख लीजिए भाई, ऐसा है इसके अंदर, वो लगो हमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बट आपको मत दिख नहीं दिख रहा होगा भाई, देख लीजिए। और गेट ये है भाई इसके अंदर जाने के लिए। अंकल जी अंदर नहीं जा सकते ना इसके? नहीं, अंकल जी कह रहे हैं अंदर जाने का आदेश नहीं है, जो भाई लगा रखे हैं इसमें वो नहीं जाने देते। नहीं अंकल जी तो जाने देते जी, अंकल जी सही है ना? वो देखो अंकल जी कह रहे हैं जाने नहीं देंगे। और भाई गेट ये है, ऐसे 5 मिनट जा करके घूम करके चला आओ। ठीक, अंकल जी 5 मिनट का टाइम दे दिया, चलते हैं। कैसे खुलेगा ये? इधर मिल गया भाई, अंदर आने जाने का देश। और ये देखो भाई, ये है भाई खेती गुलाब की भाई, बहुत। तो अभी हम दरसावा में ही हैं, हमें एक ऐसा व्यू देखने को मिल गया कि पूछो मत। सोचे कि आपके बात भी शेयर कर देते हैं। भाई आप तो देख के देख लिए होंगे कि कुछ इस प्रकार का व्यू है। और इसमें बता दे भाई किस चीज़ की खेती हो रही है। ये है भाई गुलाब की, ये देखो भाई गुलाब अभी लग रहे हैं भाई फूल। और ये भाई दिखा देते हैं इसमें भाई सब, ये देखो पाइप वाइप लगी है भाई पानी के लिए, देखो ये भाई पाइप लगी हुई पानी के लिए। और ये देखो सब पाइप की व्यवस्था है। और ये टेंट है, ये भाई ऊपर चद्दर लगा रखे हैं कि इसमें धूप ना लगे और फूल अच्छे हों। ये देखो भाई, हमें तो भाई इतनी खुशी हो रही कि सब व्यू देख कर कि पूछो मत। आपको भाई कैसे हो रहा आप बताना। भाई आप देख सकते हैं, हम बैक कैमरे से आपको दिखा रहे हैं कुछ भाई, इतना अच्छा व्यू है कि पूछो मत। आप सब भाई अभी देखे नहीं होंगे कि गुलाब की खेती कैसे होती है। भाई गुलाब की खेती देखे मगर इस प्रकार की नहीं देखे हुए कि पाइप लग कर पानी सिर्फ चालू करो अपने मन से लग जाता है। और पेड़ भी पौधे भी अच्छे हैं, ये देखो, ये देखो भाई। भाई हम बहुत दिन से इसको तलाश कर रहे थे कि देखने को मिल जाए, और आपको भी दिखा दिए भाई। ऐसा ही व्यू है यहाँ का। और देख लीजिए भाई, गर्मी तो बहुत तेज़ है, आप देख रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा कपड़ा भीग गया हुआ है। और देख सकते हैं भाई, ये देखो पानी की लिए पाइप। और आपको दिखा देते हैं ऐसे भाई, अभी ये देखो छोटे छोटे गुलाब उग रहे हैं। ये देखो अभी अंकल से पूछेंगे भी कहाँ जाता है ये फूल, किस काम में आता है, अंकल जी बताएंगे भी। ये देखो पानी यहाँ से छोड़ते हैं भाई, इधर का इस पाइप से उस इधर का पानी लग जाए इस खेत में, और इधर का पाइप से इस पाइप से उधर खेत में लग जाए। और बीच में आने जाने का रास्ता है। और गार्डन में फूल भी तोड़ने के लिए लगा रखे हैं, अभी तो फूल तैयार नहीं है और इसीलिए अभी इसमें आता नहीं कोई, सिर्फ भाई सिंचाई होती है। ये देखो भाई, अभी छोटे छोटे गुलाब के फूल हैं, हमें भाई बहुत अच्छा लग रहा है ये देखो। और आप भी बताएं भाई कैसा लग रहा है आपको व्यू। और ऐसे ही भाई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। अब चलते हैं भाई बाहर अंकल जी, क्योंकि अंकल जी 5 मिनट का टाइम दिए थे, 5 मिनट होने वाले हैं। अब चलते हैं भाई अंदर का कुछ इस प्रकार का व्यू। और अंकल से पूछ लेते हैं किस काम में फूल आता है। अंकल जी आप बता सकते हैं किस काम में फूल आता है ये? ये सब शादी विवाह में आता है, शादी विवाह में लगता है जी। अंकल जी और कितने रुपए किलो है ये? ये है, ये अभी तो इसका कोई रेट नहीं है, चलता है 150 रुपये के जी। 150 रुपये के जी जी। और आपकी ये वीडियो ना सुबह आएगी, क्या कहते मॉर्निंग में आएगी 7 बजे यूट्यूब पर। आप देखना चाहेंगे तो आप मोबाइल पर देख लेना, चैनल का नाम सचिन कश्यप ब्लॉग्स है। ठीक अंकल जी, अंकल जी
भाई ये 150 रुपये के जी है, 150 रुपये है ना अंकल जी? कोई इसका रेट फाइनल नहीं है, फाइनल नहीं है, चलता है जी जी, 50 रुपया, 20 रुपया, 150 रुपया सीजन का हिसाब से है जी। अंकल जी इस चीज़ को हम बहुत दिन से देख रहे थे, हमें पता नहीं था किस चीज़ की खेती हो रही, बट आज पता चल गया। चलिए ठीक अंकल। और ऐसे ही भाई अभी इसका हिसाब नहीं बता सकते कि कितने रुपये में बिक सकता है, और देख सकते हैं बाहर से भाई कुछ इस प्रकार का व्यू है। और ये देखो भाई आप बता सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये भाई हमारे साथ वाले ये भी बहुत देख देख के खुश हो रहे हैं। अच्छा है? हाँ भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, इसका भी बहुत अच्छा है और हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सब बता दीजिए कमेंट में कि कैसा है। धन्यवाद जी भाई, बता देना भाई कमेंट में कि कैसा लग रहा है। हमें तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि भाई गुलाब की खेती कुछ अलग ही होती है, बहुत लोग गुलाब का इस्तेमाल करते हैं और शादी ब्याह में ज़्यादा, पूजा पाठ शादी ब्याह में लगता है। और अब चलते हैं भाई घर को। भाई अब करते हैं ये वीडियो का एंड, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और यही करते हैं वीडियो का एंड, तब तक के लिए भाई करते हैं बाय बाय।